वहीं 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सूबे में जमीन तलाशने में जुटी है। शायद यही वजह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने एक बयान में ही कहा है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मूर्ख नहीं हूं। वहीं कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी उन्हें इच्छाधारी हिंदू बता रही है। ...2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले एमपी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नजर आने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ सा गया है। दरअसल हिंदुत्व को लेकर दिए गए एक बयान में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये कहा है कि मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदू हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं बताते। मैं तो वो कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर बिल्कुल नहीं। अपने बयान के जरिए कमलनाथ ने हिंदुत्व के पीच पर एंट्री मार दी है, जिसके बाद बीजेपी निशाना साधने में जुट गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंजिया लहजे में ये कह दिया है कि कमलनाथ और राहुल गांधी तो इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के वक्त इन्हें हिंदुत्व याद आता है। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू है, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। कांग्रेस ने जिस तरह से 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया है और विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सत्ता की राह तलाश रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस का ये हथकंडा विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।